राजधानी शिमला के बहुचर्चित फिरौती मामले को पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। डीएसपी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज की आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अभी मामले की जांच की जा रही है। प्रमोद शुक्ला ने कहा कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, इसका पता जांच पूरी होने के बाद चल पाएगा। ये जो अभी 3-4 दिन से जो शिमला में ये जो बहुत मीडिया में भी काफ़ी हाइप उसके बारे में बनी हुई है, ये जो फिरौती वाला जो केस है थाना सदर में रजिस्टर हुआ है, इसमें हमने दो लोगों को डिटेन किया है अभी तक। और मैं आपसे अभी तक सिर्फ इतना शेयर करूंगा कि उनमें से एक, वो जो पत्र लिखा है जिसमें वो धमकी भी दी है और पैसे भी की डिमांड भी की है, एक ने लिखवाया है, दूसरे ने लिखा है। तो दोनों ने मिलकर ये काम किया है। हम चीज़ों की बड़ी गहनता से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उन्होंने अगर ये किया तो क्यों किया है। तो अभी क्योंकि अभी हमने उनको डिटेन किया ही है कुछ ही समय पहले, वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जैसे और तथ्य भी इसमें आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। कुछ अब वो शायद थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के लिए इस तरह की बातें लिखी गई थी, लेकिन मैं वैसे बता दूं आपको कि सीसीटीवी फुटेज काफ़ी खंगाले गए हैं जिसमें कुछ लीड मिली थी, उस आधार पर हमने आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को चलाया जिस पर ये हमारे हाथ आए हैं। और अभी क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज है तो मैं अभी रिकवरी वगैरह कुछ नहीं हुई है, जैसे कुछ होगी हम आपसे शेयर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।